हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पिछले क्लास में। एंड टाइम एंड वर्क का पार्ट वन सीरीज पहले मैं बना चुका हूँ। कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं पार्ट टू आने में देरी हो गई, पर फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दो। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट टू देखने के पहले पार्ट वन जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज पार्ट वन आप अगर नहीं देखते हैं तो पार्ट टू समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले पार्ट वन को क्लियरली समझ ले, फिर पार्ट टू पे आए और आगे आगे सीरीज बनाते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ए किसी काम को 12 डेज में करता है और बी किसी काम को 20 डेज में करता है। एंड ए स्टार्ट्स द वर्क स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज 3 डेज बी ज्वाइंस ए देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो हमको करना क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है कि ए स्टार्ट द वर्क 3 दिन के बाद बी इसको ज्वाइन करता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा काम को कंप्लीट करने में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से जैसा कि मैं पहले बताया था, ए 12 डेज में है, बी 20 डेज में है, इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 60। अब यहाँ से जो 60 यूनिट है ये टोटल वर्क है, इसको हमने क्या मान रखा है, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में जब ए के टाइम से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो 60 में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 यूनिट पर डे। ये 5 यूनिट पर डे ए की एफिशिएंसी हुई, यहां से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट पर डे ये बी की एफिशिएंसी हुई। ऑलरेडी क्वेश्चन में इन्होंने लिखा हुआ है कि ए स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज, मतलब ए स्टार्ट करता है, ये बिगिन करता है, 3 दिन के बाद बी ज्वाइन करता है, तो ये 3 दिन में कितना वर्क करेंगे, 3 दिन में अगर हम कर लेते हैं तो 15 यूनिट हो गया। अब एक चीज देखो जरा, जब बी ज्वाइन करता है तब तक कितने यूनिट वर्क हो चुका, 15 यूनिट, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो 60 में से 15 घटा दोगे 45 यूनिट। इस 45 यूनिट को कौन करेगा, क्योंकि बी तो ज्वाइन कर लिया है, तो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, और दोनों की एफिशिएंसी अगर हम देखें तो इसकी 5 है इसकी 3, टोटल कितने आ रहा है 8 यूनिट पर डे। तो टाइम को मुझे निकालना है बचे हुए वर्क के लिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, मुझे टाइम निकालना है टाइम फॉर रिमेनिंग वर्क। अब जरा देखो 45 यूनिट, इन दोनों के एक साथ एफिशिएंसी कितनी 8 यूनिट, डिवाइड करेंगे तो 8 से 5 टाइम्स में कटेगा, 5 होल 8 बटे, दैट इज 5 होल 5 बाई 8 डेज। ये 5 होल 5 बाई 8 डेज जो टाइम लग रहा है बचे हुए वर्क को करने में लग रहा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए हमने क्या कर देते, 3 ऐड कर देते, क्योंकि बी ए ने 3 दिन पहले स्टार्ट किया है, तो टाइम कितना हो जाता 8 होल 5 बाई, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, 8 होल 5 बाई 8 डेज। ठीक है यहाँ तक, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 8 डेज में कर लेते हैं और ए अकेले उस काम को 12 डेज में करता है। तो बी अलोन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में करेगा। जरा एक चीज देखो, ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन लेते हैं, ए अकेले 12 डेज लेता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो यहां से देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के तरीके कैसे हैं, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसका टेबल पढ़ते हैं, जो जिस टेबल में जो रिमेनिंग नंबर है उससे एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वो उसका एलसीएम होता है।
हम 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 एकम 12 8 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, 2 टाइम्स में 24 होगा, 8 3 जा 24, तो एलसीएम कितना होगा 24 यूनिट। ये 24 यूनिट क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ये 24 यूनिट यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोटल वर्क। ए प्लस बी की एक साथ एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 यूनिट पर डे, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट। अब एक चीज देखो जरा यहां से, ए प्लस बी दोनों का एक साथ मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 3, और ए का अकेले कितना है 2। जब दोनों का एक साथ मिलकर 3 है और ए का अकेले 2 है तो हम बी के निकालने के लिए, बी इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी में से ए माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू 3 है इसकी वैल्यू 2 है, कितना निकल के आएगी 1 यूनिट पर डे। अब बी का टाइम निकालना है तो जिसका टाइम निकालना होता है उसकी इफिशियंसी से टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं, इस तरह से करेंगे तो 24 डे आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी वर्क को 12 डेज में करता है और बी किसी काम को 20 डेज में करता है। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है और बी अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। अब दोनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट कर दिए, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बट ए लेफ्ट द जॉब 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। क्वेश्चन है, बोथ स्टार्टेड टुगेदर बट ए लेफ्ट द जॉब 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन, बट ए लेफ्ट the job 4 days before completion। तो यहां से मुझे क्या करना है, ए ने कितने टाइम लिए हैं और बी ने कितने टाइम लिए हैं ये निकालना है। जरा देखो, करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कितना आसान है, आप समझो इस चीज को। ए अकेले 12 दिन में है और बी अकेले 20 दिन में है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के तरीके कैसे हैं, भरे वाले नंबर का टेबल पढ़ना है। अब जैसे ही 20 40 है, 20 से कम 20 में होगा नहीं, 12 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, 40 में भी नहीं कर पा रहा है, 60 में एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। एक एफिशियंसी डिवाइड करके निकालेंगे 5 यूनिट पर डे, बी की एफिशियंसी 3 यूनिट पर डे। अब यहां से लॉजिक क्या समझना है, जरा देखो क्या लिखा हुआ कि बोथ देम स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट द जॉब 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। आप इस चीज को समझो जरा, इस चीज को, 4 4 दिन पहले छोड़ता है, कौन छोड़ता है, ए छोड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ, ई और बी दो दोस्त हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किए, कुछ दिन किए, उसके बाद ए छोड़कर चला गया तो बी ने उस काम को 4 दिन अकेले किया तो टोटल वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर से समझे, ए और बी कुछ दिन साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है तो बी 4 दिन अकेला काम करेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे क्या समझना है कि बी 4 दिन अकेला करेगा, अगर बी 1 दिन में कितना यूनिट कर रहा, 3 यूनिट पर डे, 4 दिन में कितना करेगा 12 यूनिट। इसका क्या मतलब आया, जो 12 यूनिट है बी अकेले करेगा, तो अगर हम रिमेनिंग वर्क यहां से निकालें, रिमेनिंग वर्क जो ई और बी एक साथ मिलकर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 60 माइनस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 48 यूनिट। अब यहां से एक चीज आप समझ सकते हैं, 48 यूनिट वो वह वर्क है जो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं और 12 यूनिट बी अकेला कर रहा है क्योंकि ए ने 4 दिन पहले छोड़कर चला गया।
मतलब हमने कंप्लीशन का जो टाइम है वो फिक्स करके रखा है। तो यहाँ बताओ 48 डिग्री दोनों मिलकर कर रहा है, दोनों के लिए हम टाइम निकालेंगे। 48 बटे, यहां से अगर हम देखेंगे दोनों का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, एक साथ 8 यूनिट पर डे, दोनों का एफिशिएंसी एक साथ कितना आ रहा है, 8 यूनिट पर डे। 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। किसकी एफिशिएंसी से, जिसके लिए टाइम निकालना हो, जिसके लिए टाइम निकालना हो उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। दोनों का एफिशिएंसी 8, 8 से डिवाइड करेंगे 6 डेज। क्या मतलब हुआ कि ए और बी दोनों ने 6 दिन एक साथ मिलकर काम किए, उसके बाद बी ने 4 दिन अकेले किया। तो हम यहां से समझेंगे ए का टाइम कितना आएगा 6 डेज और बी का टाइम कितना आएगा, क्योंकि बी ए के साथ 6 दिन मिलकर गया और 4 दिन अकेले किया है। जब तो 4 दिन अकेले करेगा तो इसके टाइम कितने होंगे, 10 डेज। ए 6 दिन और बी 10 डेज। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं कि हाँ सर इस चीज को आप फिर से अच्छे से इलेबोरेट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ए किसी काम को अकेले, ए किसी काम को अकेले 4 घंटे में करता है, ए किसी काम को अकेले 4 घंटे में और बी और सी दोनों मिलकर 3 घंटे में करते हैं। ए अकेले 4 घंटे में, बी और सी दोनों मिलकर 3 घंटे में और ए और सी 2 घंटे में करता है। तो क्वेश्चन क्या है, बी एलोन कितने दिन में करेगा, कितने आवर्स में करेगा। फिर से क्वेश्चन आप समझो, ए अकेले किस काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी मिलकर 3 घंटे में और ये दोनों मिलकर 2 घंटे में, तो फिर बी अकेले उस काम को कितने घंटे में करेंगे। आप क्वेश्चन ऐसे समझ सकते हो, करना क्या है, 4 3 2 का एलसीएम लेना है। 4 3 2 का जब एलसीएम लेंगे हम तो मेरे पास आएगा 12 यूनिट। 12 यूनिट क्या होगा, टोटल वर्क। 12 यूनिट कैसा होगा, टोटल वर्क। अब हम एक एफिशिएंसी निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 12 में 4 से, तो कितना आएगा, 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर आवर। बी प्लस सी का कंबाइन एफिशिएंसी होगा 4 यूनिट पर आवर, ए प्लस सी का कंबाइन एफिशिएंसी होगा 6 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब यहां से मुझे बी के लिए टाइम निकालना है। हम शुरू से एक ही लाइन बोलते आ रहे हैं, जिसके लिए भी टाइम निकालना है उसकी एफिशिएंसी पहले फाइंड करेंगे, उसकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। अब इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है, बी की एफिशिएंसी, तो मुझे बी की एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हम क्या समझ सकते हैं, यहां से अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को ऊपर वाले ए और बी प्लस सी की अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक साथ एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 प्लस 4 7 यूनिट बराबर। मतलब यहां से क्या समझ में आया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एक साथ एफिशिएंसी आएगी 3 प्लस 4, दैट इज 7 यूनिट पर आवर। एक चीज देखो जरा, यहाँ पे तीनों का एक साथ मिलकर 7 है और ए और सी का एक साथ कितने है, 6 है। तो अगर मेरे पास बी की एफिशिएंसी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से किसको माइनस कर देंगे, सी प्लस ए को करेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी 7 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, माइनस करोगे आपको मिलेगा 1 यूनिट बराबर। अब एक चीज देखो, बी की एफिशिएंसी निकल गई, बी की टाइम निकालना है तो टोटल वर्क कितने हैं, 12 बटे 1 से डिवाइड करोगे 12। आप यकीन करो अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हो तो विदाउट पेन
आप कर सकते हो, बट आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। ये सब जो मैं कर रहा हूँ आपको एक एक चीज समझाने के लिए लिखता हूँ बोर्ड पे, आप यकीन करोगे तो हर क्वेश्चन को आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजिली से बहुत कम से कम टाइम में कर लोगे। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है ए प्लस बी, दो आदमी मिलकर एक साथ किसी काम को 72 डेज में कर रहे हैं, बी प्लस सी एक साथ मिलकर 120 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए एक साथ मिलकर 90 डेज में कर रहे हैं। अब यहाँ से इसी स्टेटमेंट से चार क्वेश्चन डिराइव हो रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है ई अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा और सी अकेले कितने दिन में करेगा। आप इस चीज से समझ सकते हैं कोई एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आएगा बट एक ही पैटर्न पे है तो हम चारों क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जरा आप एक चीज को देखो यहाँ पे ध्यान से, ए प्लस बी कितने हैं 72, बी प्लस सी कितने हैं 120 और सी प्लस ए कितने हैं 90। एक चीज को देखो जरा, इसका अगर एलसीएम लेते हैं 72, 120 और 90 तो बड़े वाले के टेबल पढ़ेंगे आप, अगर एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम होगा 360, 360। अब 360 यूनिट हमने क्या मानते हैं टोटल वर्क। अब हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 360 में 72 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 यूनिट पर आवर, 5 यूनिट पर डे। बी प्लस सी का करेंगे तो 3 आएगा और सी प्लस ए का करेंगे तो 4 आएगा। एक चीज देखो, सी प्लस ए का कितना है 4, हमने तीनों का इसका भी एफिशिएंसी निकाल ली, इसका भी एफिशिएंसी निकाली और इसका भी एफिशिएंसी निकाल चुके। अब देखेंगे अगर हम यहाँ पर इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये मेरे पास ऐसे बनेगा, और इधर करेंगे तो 5 3 8 4 12 यूनिट पर डे। एक चीज आप देखो जरा, आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो यहां पर ए 2 बार रिपीट हो रहा है, बी 2 बार रिपीट हो रहा है, सी 2 बार रिपीट हो रहा है। जब ए 2 बार रिपीट है, बी 2 बार है, तीनों दो दो बार है, तो हम 2 कॉमा ले लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइन एफिशिएंसी अगर हम फाइंड करना करें तो 12/2 कितना होगा 6 यूनिट पर डे। इतनी सी बात आपको क्लियरली समझना। जब आप तीनों का एफिशिएंसी कंबाइन निकाल लिए तो जिसके लिए भी टाइम निकालना है उसके एफिशिएंसी से टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकालना है, टोटल वर्क कितना है 360/6 करोगे आप तो आपके पास टाइम कितना आएगा 60 डेज। आपको इतना समझ आ चुका होगा कि टाइम टोटल कितना आएगा 60 डेज। क्लियर यहां तक? अब जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ए अकेले कितने दिन में करेगा, अब एक ही फाइल बात है करने की तो एक ही एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। जैसे ही अगर हम एक ही एफिशिएंसी निकालते हैं, एज एफिशिएंसी, तो आप देखो जरा तीनों की एफिशिएंसी एक साथ मेरे पास 6 यूनिट पर डे है, तीनों की एक साथ है, मुझे निकालना है एक एफिशिएंसी की। तो तीनों की एफिशिएंसी में से जहां पर एक एफिशिएंसी निकालनी है तो देखो जरा यहाँ पे, जहां पे ए नहीं है, ए किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, तो हम तीनों की एफिशिएंसी में से अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर देते हैं तो मुझे एक एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो टोटल कितनी है 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, करोगे तो आप कितना आएगा 3 यूनिट पर डे। इतना आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ए का टाइम निकालना है तो टोटल वर्क कितने हैं 360 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 120 दिन आएगा, मतलब ए अकेले उस काम को 120 दिन में कर लेगा। इतना समझ में आ गया आपको? एक क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर अगर 3 करते हैं तो आप इसको नोट कर लेना या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, इसको हम फिलहाल रख करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करने के लिए
मुझे बी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। अब बी की इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की इफिशियंसी में से जहां पर बी नहीं है, बी कहां पर नहीं, यहां पर नहीं है, इसकी इफिशियंसी को घटा देंगे। तो ये 6 है, इसकी वैल्यू 4 है, क्या आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। बी का टाइम निकालना है तो 360 टोटल वर्क है, 2 से डिवाइड करेंगे 180 दिन। जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, सी कितने दिन में करेगा अकेले, तो सी की इफिशियंसी फाइंड करनी पड़ेगी। सी की इफिशियंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सी की इफिशियंसी फाइंड करना है, तीनों की इफिशियंसी में से जहां पर सी नहीं है, सी यहां पर नहीं है, इन दोनों की सी यहां पर नहीं है, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी माइनस करेंगे। करोगे आप तो इसकी वैल्यू 6 है, 6 में से इसको वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 1 यूनिट पर डे आ जाएगा। सी का टाइम निकालना है 360 बटे 1, आप करोगे तो 360 डेज हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लिख समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को करने में आप अगर खुद से करें तो बहुत कम से कम टाइम लगेगा, आपको कैलकुलेशन बस करना है। अगले पार्ट जो पार्ट 3 होगा, इसी में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, जैसे अल्टरनेटिव कैसे करते हैं, वेस्टेज ऑफ 1 आवर, अगर दो पहला दिन किया, सेकेंड डे किया, फिर थर्ड डे ज्वाइन करता उसको कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम पार्ट 3 में लेकर आएंगे।